बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस 21 अगस्त को प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। इस बात का ऐलान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस गलत कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। देवेंद्र यादव पर 20 धाराओं में FIR दर्ज की गई है। भाजपा के नेता भी आंदोलन में शामिल हुए थे, लेकिन भाजपा नेताओं से पूछताछ क्यों नहीं हुई? कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को कल दुर्भावनापूर्वक बदले की भावना से, बदलापुर की राजनीति से प्रेरित होकर कल गिरफ्तार किया गया है। इसका छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से विरोध करती है और इसका कड़ा निंदा करती है। आदरणीय साथियों, कि सर्वविदित है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, कलंकित करने वाली घटनाएं घटी है। अगर याद दिला दे, झीरम की घटना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है, पूरी देश ने देखा। उसी तरह से ये बलौदा बाजार की घटना, कि देश की पहली घटनाएं छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं घटी जहां कलेक्टर ऑफिस और SP कार्यालय जला दिए जाते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह छत्तीसगढ़ और देश के लिए भी कलंकित घटना है और इस घटना से सरकार अपने आप को बचाने के लिए, सरकार अपने आप को इस घटना को रोकने से फेलियर हो गई, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। और इस विफलता को छुपाने के लिए, और जो कि कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम कर रही है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से शुरुआत हुई अमर गुफा से, जहां सरकार को उस पर जहां कार्रवाई करना चाहिए उस कार्रवाई पे उन्होंने लीपापोती की, ठेकेदार से कोई पूछताछ नहीं, लेकिन गलत कार्रवाई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक नोटिस क्यों नहीं मिला? और कांग्रेस के नेताओं को, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जेल भेज दिए, NSI का अध्यक्ष जेल भेज दिए, इसलिए भेज दिए कि हमारा विधायक समाज के बुलावे पे गए, उनके साथ वो दोनों नेता गए, इसलिए अब उनको जेल भेज दिए। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आदरणीय साथियों, देवेंद्र यादव इसलिए ये जनप्रतिनिधि है किसी समाज का, किसी और अन्य कार्यक्रम में अगर कोई बुलाते हैं, क्या नहीं जा सकते हम लोग? क्या सरकार के प्रतिनिधि, क्या विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ना वो मंच में चढ़े, ना वो भाषण दिए, वो सिर्फ 10 मिनट वहां रुके, 10 मिनट रुकने के बाद अपने आगे तय कार्यक्रम अनुसार रायगढ़ चले गए। फिर कौन सा षड्यंत्र में वो शामिल थे, ये प्रूफ क्यों नहीं करते? लेकिन जानबूझकर बदले की भावना से बदलापुर की कार्रवाई सरकार कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय साथियों, ये FIR का कॉपी मैं दिखा रहा हूं, FIR का कॉपी है, जहां सरकार ने ऐसे ऐसी धारा लगाई है, 20-20 धारा लगाई है, उस धाराओं में कुछ धारा उल्लेख करना चाहता हूं मैं। 120 भी षड्यंत्र प्लानिंग, जानबूझकर फंसाने के काम को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी धाराओं को उन्होंने बाद में जोकड़ करके आपका हमारा जो दिमाग है उसे आंदोलित कर दिया है। हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरीके से देवेंद्र
यादव के साथ है। मैंने कल जब से उनसे बात हुई तब से मैं रायपुर में था और प्रयास कर रहा था कि ऐसी घटना ना हो, इस घटना को रोका जा सकता था, कर रखी है, उसके बाद भी वो अपना बयान दे सकते हैं। इस बारे में मैंने जो प्रयास किए मैं उसे ज़्यादा विस्तृत तो नहीं कहूँगा। इसी तरीके के प्रयास भूपेश भाई दिल्ली में थे, उन्होंने भी किए दिल्ली से, मैं यहाँ से किया, हमारे अध्यक्ष उनके घर देवेंद्र के घर जाके बैठे, मगर हम तीनों के प्रयास को कोई सफलता नहीं मिली। हमारा प्रयास ये था कि हम आपके यहाँ बयान देने जाएंगे, इस राखी की दिन को निकल जाने दीजिए, राखी के दूसरे दिन आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मौका भी हमें नहीं दिया और पूरी तरीके से आज बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार के आसपास जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए था। वो जो सामाजिक सद्भाव वहाँ बिगड़ा हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना। शुरू से ही जो जैसा कि नेताजी ने कहा कि जो सामाजिक सौहार्द रहे बिगाड़ने का काम हुआ, वो आरोपी अभी तक के जो समाज निष्पक्ष जांच चाहते थे वो हुआ नहीं। अब कलेक्टेड नहीं बचा पाए, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश में पहली घटना अपनी नाकामी के छिपाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। यदि देवेंद्र यादव के इस षड्यंत्र में शामिल है, देवेंद्र यादव ने जितने धाराएं लगाए उसके द्वारा कारित है, एकाध साक्ष्य पुलिस को बताना चाहिए मीडिया के माध्यम से। देखो ये तोड़ते हुए, ये आग लगाते हुए, ये उकसाते हुए, है ना, किसी हत्या का प्रयास कर रहा है, ऐसा कोई एविडेंस मीडिया के सामने तो बताए। इसका अर्थ ये है, मैं तो पुलिस से ये कहना चाहूँगा कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिसे आप नजरें न मिलाने में आपको दिक्कत हो। इतनी धाराएं लगा दिए और धारा लगाए तो कौन से FIR की कॉपी उनको दिए थे, और फिर आप पूछताछ की बात कर रहे थे और गिरफ्तार करके ले आए। गृह मंत्री जी कह रहे हम पूछताछ कर रहे हैं, वो तो जेल में भाई, क्या पूछताछ कर रहे हैं? पूछताछ करने के लिए बुलाए तो गए भी थे,